हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ताला परिचय। वी आर नाउ ऑन आडा चौताल एंड वी आर ऑन द थर्ड एपिसोड। इन द सेकेंड एपिसोड वी हैड तालेयोगी पंडित सुरेश तळवलकर ऑन ताला परिचय एंड आई स्पोक टू हिम अबाउट आडा चौताल एंड ही एक्सप्लेन्ड द स्ट्रक्चर ऑफ आडा चौताल, द डिविजन्स, द खालीभरी and especially how it got this peculiar name of Ada Chautal. Ada means offbeat, and he explained why the theka sounds offbeat. And then we watched a short clip from a Talayatra on Ada Chautal, which was a show which was conceptualized, designed and produced by Suresh ji. Let us first watch a very short clip from the interview which I had with Suresh ji about Ada Chautal, just as a recap, and then we are going to listen to a Hansadhwani in Ada Chautal sung by Pandit Rasiklal Andharia, and then a Trivat sung by Vidushi Veena Sahasrabuddhe in Ada Chautal. So let's watch a short clip from Suresh ji's interview first. Guruji, namaskar. Namaskar. सबसे पहले ताला परिचय में आके हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ताला परिचय में आडा चौताल का विषय चल रहा है और आडा चौताल के बारे में आपके कुछ विचार, उसका विभाजन कैसे होता है, उसकी खाली भरी कैसे होती है, ये हमारे दर्शकों के लिए ज़रा कृपया समझाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक तो आडा चौताल मतलब प्रचलित तालों में से है, फिर भी अप्रचलित जैसे उसका व्यवहार है। और वो क्यों है आडा चौताल, ये उसको बाद में नाम पड़ा जी। पहले एक जमाने में उसको आडा ही कहते थे। अच्छा, इसका विभाजन पहले कैसे है कि जिस ताल का विभाजन दो 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 दो, आप समझ गए जी, जी ये विभाजन है उसका जी। दो 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 दो, ये विभाजन समविजब विभाजन होने के बावजूद भी आड़ा क्यों है, ये सवाल आता है जी। और ऐसी कौन सी खासियत है कि जिसकी वजह से उसको आड़ा कहते थे, वो हमारे गुरुजी ने सिर्फ एक बार पढ़न करके बताया। अच्छा, अभी एक दो 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 जी, ये उसका डिवीजन है जी। तो कैसे होता है कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये कहने से आठ नहीं होता है। हाँ, तो आठ कहाँ होता है? अच्छा, हाँ, कि ठेके का उच्चारण करते है तब आड़ा हो जाता है जी। देन तेरकटे देन ना देन ना कत्ता तेरकटे देन ना देन देन ना देन तेरकटे देन ना देन ना कत्ता तेरकटे देन ना देन देन ना। आप दूसरे कौन से भी ताल के ठेके लीजिए, उसमें तिरकिट शब्द पे ताली भी नहीं है और खाली भी नहीं जी। ना सब पे ताली भी नहीं है और खाली भी नहीं है। हाँ, ये एक ही प्रचलित ताल ऐसा है। अच्छा, कि जिसमें तिरकिट और ना पे ताली आ रही है जी, और जिसकी वजह से वो कितना आड़ा हो रहा है। देखिए, ये अगर उसका मतलब नहीं समझे तो दूसरा पढ़न करने वाला कैसे कहेगा दिन तिरकिट दी ना ती ना कत्ता तिरकिट दी ना दी दी ना, ये कहेगा। वो जो आड़ी है दिन तिरकट दिन ना दिन ना कत्ता तिरकट दिन ना दिन दिन ना दिन तिरकट दिन ना कत्ता तिरकट दिन, अब तिरकट पे खाली आ रही है तिरकट दिन ना दिन दिन ना दिन पे खाली आ रही है। हाँ, तो डिवीजन ताल की समय है जी, लेकिन ठेके की रचना ऐसी है
कि जिसकी वजह से वो पूरा आड़, तो इसीलिए उसे आड़ा चौताल, उसको आड़ा ही कहते थे एक अच्छा, जमाने में अच्छा। आड़ा बजाइए, तो मतलब ये बहुत ही सुंदर ताल है आड़ा चौताल। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा ये प्रश्न रहता था कि इसका नाम आड़ा ऐसे क्यों है, आड़ा चौताल क्यों है, तो आपने जिस तरह से समझाया बहुत अच्छी तरह से, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी तरह से पता चला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई होप दैट वॉज अ गुड रिकैप ऑफ आड़ा चौताल, ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आड़ा चौताल एंड द पिक्युलैरिटीज ऑफ द ठेका। So let us listen to Pandit Rasiklal Andharia first. Pandit Rasiklal Andharia belonged to the Kirana Gharana and he was greatly influenced by Ustad Amir Khan Saab. Now in this composition, which is in Raag Hansadhwani, he has used the bowls of an Ada Chautal Theka as lyrics in the composition. So that should give you an excellent idea of what Ada Chautal sounds like. Tunna katta thaga dinna din dinna din thaga dinna tunna katta thaga dinna din dinna din viharati brahmanam dinne viharati brahmanam dinne gagana maha sveta hanse aaru सुरवंदिता पुनित नाम नित्य जपत नर मुनि विहरति ब्राह्मणंदिने तुन्ना कत्ता त्रगदिन्ना दिन दिन्ना दिन त्रगदिन्ना तुन्ना कत्ता त्रगदिन्ना दिन दिन्ना दिन त्रगदिन्ना तुन्ना कत्ता त्रगदिन्ना दिन 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 त्रगदिन्ना तुन्ना कत्ता त्रगदिन्ना दिन दिन्ना दिन त्रगदिन्ना तुन्ना कत्ता त्रगदिन्ना दिन दिन्ना दिन विहरति ब्राह्मणंदिने विहरति ब्राह्मणंदिने गगनम चेत रामानंद वेदांत विज्ञानमय गिरारस गानमयी दे मातु प्रज्ञा प्रसाद भाव रंग को अब कृपा करी प्रणव सहित सबल साम मात्र पानी विहरति रामानंद Next, we will listen to a trivat sung by Vidushi Veena Sahasrabuddhe. This trivat was composed by her elder brother, Pandit Kashinath Shankar Bodas. Pandit Kashinath Shankar Bodas was considered to be one of the great stalwarts of the Gwalior Gharana. A trivat is basically a composition which includes three forms of music. So it has sargam, it has the bowls of a tarana, and it has the bowls of tabla or pakhavaj. This trivat in Madhuvanti is in Ada Chautal, and this would again give you an excellent feel for what Ada Chautal sounds like. So let's listen to Vinatai. Dani dani mudani dani mi sagar sanida pa
कट्टा तक दिन ना दिन दिन तक दिन ना दिन ना कट्टा तक दिन ना दिन दिन तक दिन ना दिन ना कट्टा तक दिन ना दिन दिन In the next series on Tala Parichay, we will talk about a tal called Tilwada. It is predominantly used in the Khayal form of music. So Tilwada is another 16-bit tal like Teen Tal, but it is very, very different. So keep watching. If you like this video, please support us by subscribing to the Raga Quest channel on YouTube.